पहली बार डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई है। अगस्त में 22 लाख डीमैट खाते खुले, जो पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। डीमैट खातों की संख्या बढ़ने से ब्रोकिंग कंपनियों को क्या फायदा होगा, आज हम कॉर्पोरेट कनेक्शन में बात करने वाले हैं एंजल वन के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के आगे की ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी है उस पर, साथ ही साथ क्लाइंट्स को लेकर कंपनी का नया आउटलुक क्या है। लेकिन कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ पहले शेयर कर लें। कंपनी की स्थापना हुई थी 1996 में। भारत की दिग्गज लिस्टेड ब्रोकिंग कंपनी ये है। ब्रोकिंग और एडवाइजरी सर्विसेज से जुड़ा इनका कारोबार है। थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एंजल वन हैं। मेरे साथ कंपनी के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रभाकर जी आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि जो हमने 100 मिलियन 10 करोड़ का जो आंकड़ा पार कर लिया है डीमैट खातों में, यहाँ पर कितना बड़ा बूस्ट इंडस्ट्री के लिए इसे मानेंगे आप? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और 10 करोड़ ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से जो हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हम जो देख रहे हैं, उससे नए हमारे रिटेल कस्टमर इन्वेस्टर आज की डेट में 9.7% इंडिया इनकॉर्पोरेटेड को होल्ड कर रहे हैं। और ये 10 करोड़ डीमैट अकाउंट इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अभी भी थोड़ा डुप्लीकेशन होगा, इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत स्कोप है इसमें ग्रोथ आने के लिए। बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जो हमने कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, और कई लोगों ने ऐसा कहा था कि कोविड के बाद इसमें बहुत ज़्यादा या तो रुकावट आ जाएगी या इसमें स्लोनेस आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले 4 महीनों में ये हाईएस्ट मंथली एडिशन था, और हमने 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और भगवान की कृपा रही हम सब पर इस बिजनेस पर, तो 20 करोड़ का आंकड़ा भी दूर नहीं है। कोविड की बात आपने की प्रभाकर जी, और कोविड से पहले जो आंकड़ा था वो अपने दर्शकों को बता दें, करीब 40 करोड़ के 41 मिलियन का जो आंकड़ा है, 4 करोड़ का जो नंबर है वो था यहाँ पर, और जो पिछले समय में जो बढ़ा ग्रोथ हमने देखी, और अब हम 10 करोड़ के आंकड़े के ऊपर खड़े हैं। प्रभाकर जी, क्या आपको लगता है कि जो पहले एडिशन होता था डीमैट अकाउंट्स में, जो ग्रोथ की स्पीड हम देखते थे वो कम हुआ करती थी पिछले कुछ समय में, वो स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी है? शायद कोविड की वजह से बहुत लोगों इन दिलचस्पी दिखाई जब वो घर पर थे, क्योंकि वो शेयर मार्केट में हिस्सा लेना चाहते थे तो उन्होंने अपने अकाउंट्स खुलवाए। यहां से जो नेक्स्ट ग्रोथ आएगी, जो 20 करोड़ की बात आप भी कर रहे हैं, क्या वो अब ज्यादा तेजी के साथ आएगी? उसमें जो मोमेंटम है वो बेहतर होगा पिछली बार के मुकाबले? बिल्कुल ज्यादा तेजी के साथ आएगी। देखिए आज से कुछ समय पहले तक हम अपने सारे क्यूज हमारे मार्केट के बारे में हम अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट से लेते थे। आज उन मार्केट्स को देखिए, उनमें हाई इन्फ्लेशन रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद भी आपने पिछले 4-5 महीनों में देखा होगा कि किस तरह से FII को रिटेल ने रिप्लेस किया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और आप जहाँ तक कोविड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के पास समय था, तो अब तो लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है लास्ट 1 साल से, फिर भी हम ये नंबर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपने हमारे नंबर्स देखे होंगे, हमारे नंबर्स में सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं, इवन ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स में इंक्रीज दिखेगा आपको। ADTO में 20% का इंक्रीज दिखेगा अक्रॉस सेगमेंट्स। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। आज से कुछ समय पहले तक लोगों के पास एक्सेस नहीं था Tier 2, Tier 3 टाउन्स में, उनके पास नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, बहुत सारे फ्रॉड्स लोग थे, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते थे। आज की डेट में एजुटेनमेंट के नाम पर YouTube, बहुत सारे चैनल्स, Instagram में बहुत सिंपल से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और लोग बहुत ही यंग एज में मार्केट में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो सेविंग्स में और इस तरह की सेविंग्स में डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 करोड़ की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है टेक्नोलॉजी, उसके बाद है हमारी यंगर पॉपुलेशन जो नई चीज़ों को ट्राई करना चाहती है, और तीसरी बड़ी चीज है हमारे जैसे फिनटेक ब्रोकर जिन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला है। आज भी कस्टमर हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और क्योंकि आज हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से आज भी हम top 3 प्लेयर्स हैं अपने फील्ड में। बिल्कुल प्रभाकर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी की मदद तो मिली ही है, इन्फॉर्मेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो यंग जनरेशन अब आ रही है शेयर बाजार की तरफ, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा आपकी इंडस्ट्री की, आपकी कंपनी की। क्या ये जो आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है, 10 करोड़ का नंबर हमने पार कर लिया है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसका इम्पैक्ट कंपनियों पर भी पड़ रहा है? क्या बिजनेस बेहतर हुआ है? क्या आपके जैसी कंपनियों के मार्जिन बढ़े हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 11.2 करोड़ या 1.12 करोड़ और 11.2 मिलियन कस्टमर बेस की हम जो बात कर रहे हैं, वो अपने आप में पिछले साल से करीबन 82% ग्रोथ है। अगर एक साल पहले का नंबर देखें तो उस पर 82% का ग्रोथ है, जो अपने आप में बेहतरीन है। और पिछले एक साल में हमको कोविड की वजह से तो कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और दूसरी बात ये समझिए कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े हैं, हमारा एडीटीओ बढ़ा है, हमारा एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक बढ़ा है, और हमारे मार्केट शेयर्स बढ़े हैं। और ऑल इन ऑल इन सब की वजह से हमारा बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल लेवल पे पहुंच गया है। हमारा जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जिसमें हमने टाई अप कर रखा है बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स से, वेस्टेड से, स्ट्रीक से, सेंसिबल से, उससे कस्टमर को हम बहुत सारे ऑप्शंस दे पा रहे हैं। आप हमारे मार्जिन की बात कर रहे हैं, हमारे मार्जिन भी पब्लिक डोमेन में है। हम 45 से 50% ओपीएम पे काम कर रहे हैं। हम क्लाइंट एक्विजिशन को 2 क्वार्टर के अंदर हमारा पे बैक आ जाता है। तो इस तरह से हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं, और इसलिए हमारे स्पीड में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। कोई माइनर सेटबैक आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म हमको ये ट्रेंड अप ही जाता हुआ दिखता है। ये सारे जो कंपटीटिव प्लेयर हैं आपके मार्केट में इस समय, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर चूंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि सभी प्लेयर्स को फायदा हो रहा है। लेकिन जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं, 0% ब्रोकरेज पर अकाउंट्स खोल रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है उनकी वजह से, और कैसे आप टैकल कर रहे हैं इस सिचुएशन को? अगर हम देखें तो हम भी 2019 के पहले परसेंटेज कमीशन बेस्ड ब्रोकर ही थे। हम भी जीरो बेस्ड ब्रोकर, जीरो ब्रोकरेज, हम 2019 से ही हमने ये सफर शुरू किया है। तो आज हमें हमारे कॉम्पिटिशन्स की इतनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चाहे वो कोई दूसरे फिनटेक ब्रोकर हो या वेंचर फंडेड कंपनी हो, हमने सबसे लास्ट 3 साल में कम्पीट किया है, और उसके बाद अपने आप को नंबर वन की पोजीशन पे हम लेके आ चुके हैं। तो आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नया प्लेयर मार्केट में एंटर होता है। हमें ऐसा लगता है कि नए प्लेयर के आने से मार्केट में नॉलेज और बढ़ेगा, अवेयरनेस और बढ़ेगी, और हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर फंडामेंटली एट द एंड ऑफ द डे विल कम टू अस, हमारे पास ही आएंगे वो, क्योंकि हम सुपीरियर प्रोडक्ट ऑफर करेंगे उनको। हमारा डोमेन एक्सपर्टीज इज नेक्स्ट टू नन, इन द सेंस दैट यू नो आई मीन लाइक वी आर द नंबर वन इन डोमेन एक्सपर्टीज ऑल्सो। और आने वाले समय में हम जिस सुपर ऐप की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा हम कस्टमर के नंबर वन प्रेफरेंस रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके सुपर ऐप का भी एक सवाल पूछना चाहता था प्रभाकर जी, उसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा यहाँ पर। एक तो बात जो आपने कही पहले कि टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है इस तरह की ग्रोथ जो पिछले समय में हमने देखी है आते हुए, आप एंजल वन पर किस तरह से नए प्रोडक्ट्स लेकर आने वाले हैं, किस तरह आपको लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करेंगे, आपका जो सुपर ऐप है वो किस तरह से मदद करेगा नए क्लाइंट्स को आपके? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी टीम है। ना केवल हमारे सीईओ जो सिलिकॉन वैली एक्सपर्ट हैं, बल्कि हमारे सीटीओ मिस्टर ज्योति, और जो हमारे 400+ इंजीनियर्स और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो बैंगलोर से ऑपरेट करते हैं, वो हमें एक ऐसा फायर पावर देता है, एक ऐसा बैंडविड देता है जो नेक्स्ट टू आई मीन नन, आई मीन इन द सेंस वी आर द बेस्ट इन 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 दैट सेंस। नाउ टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जैसी कंपनी में पहला जो चैलेंज आता है कि हम किस तरह से अपने सिस्टम में रिडंडेंसी ढूंढें, किस तरह से रगेडाइज करें अपने सिस्टम को। तो ये सारी जर्नी हमने पिछले 15 महीनों में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये सफर तय किया है। अब हमारा पूरा फोकस हमारे नए सुपर ऐप पे है, जिसको हमने iOS पे 100% लॉन्च कर दिया है। इवन हमने वेब पे एक नया वर्जन ले आया है जो कस्टमर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अब हमारा नेक्स्ट फोकस है एंड्रॉइड पे इसको माइग्रेट करना। अभी ये जो सुपर ऐप है, ये बहुत ही हम जो मिनिमम इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। एक बार ये सिस्टम आ गया है तो इसका UI UX बहुत ही डिफरेंट है, और एक बार ये कस्टमर्स को हम इस पे माइग्रेट कर पाए, उसके बाद हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और आगे आने वाला कोई भी बिजनेस हम एक सिंगल ऐप के थ्रू कस्टमर को कस्टमर को दे पाए।
ओके करेक्ट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी है और ग्रोथ भी काफ़ी है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा प्रभाकर जी, जो पिछला कुछ समय बीता है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दी है आपकी कंपनी के लिए भी, किस तरह का आपका जो कस्टमर एडिशन है उसका प्रोफाइल किस तरह का यहाँ दिखाई दे रहा है? कौन कौन से ज्योग्राफी से लोग अब ऐड हो रहे हैं आपके पास, कौन से एज ग्रुप के लोग अब ऐड हो रहे हैं? एक अंदाज़ा इससे ये लगेगा कि जो आने वाला समय है वहाँ से कौन से एरिया से ग्रोथ आ रही है, और आप फिर शायद उस हिसाब से प्लानिंग भी कर पाएंगे अपनी। देखिए, हम तो ये बात पब्लिक में पिछले 2-2.5 साल से बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर कस्टमर्स आर कमिंग फ्रॉम टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स। आई मीन, आज की डेट में हमारा एक मीडियन और मीन एज विल बी अराउंड 28 और 29 ईयर्स। आप एक कौन से इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनल मार्केट्स तो हमेशा से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स रहे हैं, राजस्थान। बट हम जो एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और नॉर्थ भी मार्केट बहुत ही फास्ट तरीके से सामने आ रहा है, ना केवल डीमैट अकाउंट ओपन करने में बल्कि एक्सचेंज का जो टर्नओवर डेटा रहता है उसमें भी। ये जो नए स्टेट्स हैं ये एक अच्छी पोजिशंस पे अवेलेबल है। तो बट जस्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम यंगस्टर्स, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मार्केट में, और ये सारे लोग आएंगे नए स्टेट से, जो स्टेट्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा गिर रहा है और जो नए लेवल पे प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं और जहाँ पे एक्सेस की कमी थी अभी तक। बिल्कुल। तो ग्रोथ यहाँ स्टोरी बरकरार है और सिर्फ ट्रेडिशनल स्पेसेस से नहीं बल्कि नए एरिया से भी लोग जुड़ रहे हैं। शेयर बाजार में जो है तेजी भी देखने को मिल रही है और ये सारे लोग अब इक्विटी मार्केट के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारत की ग्रोथ का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए प्रभाकर जी, समय देने के लिए और हमसे ये खास चर्चा करने के लिए।